पहले बीच में तबीयत जब इसकी बहुत खराब हो गई थी तो आप इसको लेकर मायके चले गई थी, सही बोल रहा हूँ? उस समय इसकी कंडीशन थोड़ा बताइए क्या था, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। बिस्तर में पड़ा रहता था, हाथ उठा नहीं पाता था, और क्या क्या दिक्कत थी आपको लग रहा था कि उस समय कि मेरा बच्चा कैसे बचेगा जी। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? आपको उस समय बचाना मुश्किल पड़ रहा था जी। तो बहन जी आप क्या बोलना चाहेंगे, आज आपका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है? स्वस्थ है आपका बेटा पूरी तरह से? आप खुश हैं इन दवाओं से? क्या लगता है कि ये दवाएं जब शुरू में आपने लिया होगा तो आपको जरूर लगा होगा कि थोड़ा महंगी दवाएं, पर आज जब 2 महीने के अंदर आपका बच्चा 90% ठीक हो गया, आज आपको दवाएं महंगी लगती हैं? अब तो सस्ती लग रही हैं। अब आपको लगता है कि जहाँ पे आपने इतना दवाएं खर्च की, बसों का किराया लगा, आने जाने में खर्च हुआ, वहाँ दवाओं में, डॉक्टर का ट्रीटमेंट में, चेकअप में, रिपोर्ट में, इन सब चीज़ों में जो पैसा खर्च हुआ वो पैसा ज़्यादा था, या ये 2 महीने के अंदर आपका बच्चा ठीक हो गया ये पैसा ज़्यादा है? वो पैसा ज़्यादा था। ये दवाएं सस्ती है या नहीं है? क्या लगता है कि जिस तरीके से आज आप माँ हैं, आपका बच्चा स्वस्थ हो गया, और दूसरी माँओं को क्या करना चाहिए, इन दवाओं को अपने बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आज आप भरोसा करती हैं इन दवाओं पे? करती हैं? आज 90% आपका बच्चा ठीक हो गया विश्वास करती हैं? आज क्या क्या कर लेता है आपका बच्चा? सब कुछ कर लेता है, खेलता है, दौड़ता है जी। आज पूरी तरह से आपको स्वस्थ लगता है तो खुश है, और आज दुआएं देती हैं उन लोगों को जिन लोगों ने आपको ये विश्वास दिलाया था कि ये दवाएं लिए? आज दिल से दुआ निकलती है कि नहीं निकलती? निकलती है ना। आज आपके बच्चे को बचा लिया, तो आज आपके सामने एक माता पिता बैठे हुए हैं अपने बच्चे को लेकर, जिन माता पिता ने भरोसा छोड़ दिया था कि शायद उनका बच्चा नहीं बच पाएगा सिकलिन के कारण, आज उनका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, 90% ठीक हो गया। आज इन्हें ये दवाएं बहुत ज़्यादा सस्ती लग रही हैं, आज इतनी बड़ी खुशी इनके घर में है। जो सिकलिन सिकल सेल्स एनीमिया सिकल सेल्स था इनके बच्चे को, और जिस बीमारी से डॉक्टरों ने इन्हें बोल दिया था कि आपके बच्चे की बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी, ये बच्चे को बचाना मुश्किल पड़ेगा, आज वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, आज दुआएं दे रही हैं वो माँ। तो मैं दोस्तों सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा, जिनको भी सिकलिन की प्रॉब्लम है या सिकल सेल्स की समस्या है, वो पूरी तरह से भरोसा करें कि उनके बच्चे को, उनके घर वालों को इसका रिजल्ट मिलेगा। आज जैसा रिजल्ट इनके बच्चों को मिला है, आज जैसे इनका बच्चा पूरी तरह से ठीक है, आज जैसे ये माँ बाप पूरी तरह से खुश हैं, इनके घर में खुशियाँ आई हैं, सभी के घर में खुशियाँ आएंगी। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।